तो नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनोज मदान है जी। मैं देवस्वान मॉडल स्कूल नेहरू नगर में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ और पिछले लगभग 30 वर्ष से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ जी। जो आज डेंगू वर्ल्ड डे पर जो है प्रोग्राम रखा गया है, क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है और कितना जो है इससे बच्चों को अवेयरनेस होती है, क्या क्या इसमें बच्चों को अपने पेरेंट्स के लिए मैसेज देना चाहेंगे बच्चों के साथ? आज जो वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जा रहा है, जब इसका टाइटल ही वर्ल्ड मलेरिया डे, तो ये इंडिकेट करता है कि मलेरिया केवल भारत की समस्या नहीं है, पूरे विश्व की समस्या है। और इस मलेरिया नाम का जो रोग है या डेंगू नाम का जो रोग है, इसका सीधा सीधा संबंध मच्छरों से। और मच्छर एक ऐसी प्रजाति है जो हर गली मोहल्ले में कूड़े के ढेर पर जहाँ पानी रुका वहाँ पाई जाती है और बहुत बड़े स्तर पर पाई जाती है। लेकिन थोड़ी जागरूकता के साथ अगर इस बीमारी का मुकाबला किया जाए और इन मच्छरों के प्रजनन को रोका जाए तो बहुत सराहनीय प्रयास हो सकता है। और वर्ल्ड मलेरिया डे के अवसर पर अगर हम इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, उससे बच्चों में डेफिनेटली जागरूकता उत्पन्न होती है और बच्चे बहुत अवेयर होते हैं, क्योंकि बच्चे ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। बच्चों का मन कोमल होता है, ये वो उम्र है जब उनको कुछ भी समझाएं अच्छी बात तो समझ सकते हैं। और जब बच्चों को जिम्मेदारी लेके भेजी जाती है कि आप अपने कूलर को आगे चेक करना है, आपने छत पर कोई पक्षियों का बर्तन है जिसमें आप पानी देते हैं उसको चेक करना है, या छत पर कोई वाटर टैंक है, या खुली कोई ऐसी जगह कोई पीपा पड़ा हुआ, कोई टायर पड़ा हुआ है जिसके अंदर पानी इकट्ठा है, जाके चेक करें और देख के बताएं कि उसमें अगर आपको मच्छर या उसके लार्वा या कुछ भी दिखता है तो किस तरह उसको रोका जाए। तो उनको ये जानकारी भी दी जाती है, जैसे मिट्टी का तेल थोड़ा सा डाल दें, थोड़ा सा डीजल डाल दें या उसको उलट दें, तो जिससे मच्छर की जो प्रजनन है उसको रोका जा सके। तो बच्चे इस बात को बखूबी समझते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा ऐसे दिवस जो हैं ये सालाना ना मना के पूरे साल किसी न किसी रूप में बच्चों तक संदेश पहुँचना चाहिए, क्योंकि ये संदेश पहुँचता है बच्चों तक। लेकिन जैसे आज हुआ, तो जहाँ तक ऑनेस्टली मेरा एक कन्फेशन भी है कि 10-15 दिन तक बच्चों में जागरूकता नहीं है। स्कूल अपने स्तर पर प्रयास करता है इसको बार बार रिपीट करने का, लेकिन अगर सरकारी एजेंसी जैसे आज साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने किया, ऐसी एजेंसी लगातार बच्चों को जोड़े और कल्चर प्रोग्राम करें इसके साथ, क्योंकि मैं खुद नाटक से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो मैंने देखा है कि जब हम नुक्कड़ नाटक करते हैं पर्यावरण को लेकर, सफाई को लेकर और गंदगी को लेकर, तो उसका बच्चों पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और विशेषकर छोटे बच्चे बताने से एक लेक्चर फॉर्म में इतना नहीं समझते जितना वो देख के समझते हैं कि इसका कितना हार्मफुल है। आज बच्चों के लिए प्रदर्शनी लगाई गई, बहुत खूबसूरत थी। कम से कम बच्चों को पता लगा कि अडल्ट मच्छर कौन सा होता है, छोटा मच्छर कौन सा है, कैसे उसका जन्म हो रहा है, कौन सी मछली उसके उस तालाब में छोड़ जाए, गंदे पानी में छोड़ जाए, जो उस मच्छर का प्रजनन को रोक सके। तो बहुत अच्छा आज एक डेमोस्ट्रेटिव जो एग्जीबिशन भी लगाया गया, ये बहुत इसे जागरूकता बच्चों में फैली है और टीचर्स को भी बहुत अच्छा लगा। और मैं SDMC को बधाई देना चाहता हूँ कि देशभर मॉडल स्कूल को वो प्रत्येक वर्ष की तरह पार्टनर बनाते हैं और हम अपने स्कूलों में इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि हमारे यहाँ गंदा पानी कभी जमा ना हो, जिसमें बच्चों का सहयोग भी दिया जाता है। तो पुनः बधाई के पात्र हैं। लेकिन फिर मैं एक बार अनुरोध करूँगा आपके माध्यम से कि ऐसे उत्सव, वैसे उत्सव कहूँगा बच्चों, ऐसे उत्सव लगातार मनाए जाने चाहिए ताकि बच्चों को समय समय पर जागरूक किया जा सके। सबसे पहले अपने बारे में बताइए, नाम बताइए अपना। और मैं डॉक्टर विवेकानंद भगत हूँ और मध्य क्षेत्र का उप स्वास्थ्य अधिकारी हूँ। और आपके बीच मैं इस मलेरिया डेंगू से रिलेटेड विषय पर बातचीत कर रहा हूँ। डेंगू है, चिकनगुनिया है, कितनी मौतें लगातार इससे बढ़ती जा रही हैं, तो क्या कुछ इसको रोकने के लिए क्या जाना चाहिए आज जिस तरीके से प्रोग्राम किया गया है? डेंगू और चिकनगुनिया, वैसे आपकी जानकारी में लाओ, चिकनगुनिया से नॉर्मली मौत नहीं होती है, डेंगू से मौत होती है, वो कभी कभी होती है और वो तभी होती है जब किसी भौतिक बुजुर्ग आदमी में हो या किसी HIV के मरीज को हो या जिसका किडनी विडनी फेल होता है, ऐसे तरह के लोगों में इससे मौत की संभावना ज़्यादा होती है। तो अगर समय पर हम इसका उपचार कर लें, और उपचार कुछ नहीं, आपको तुरंत डॉक्टर के संपर्क में जाना चाहिए। जब इस चीज बीमारी हो, बुखार हो आपको, तो जल्द से जल्द डॉक्टर के संपर्क में जाएं और वो पूरी तरह से ठीक भी होता है। जहाँ तक इससे बचाव की बात है, तो आप जैसे आप जानते हैं कि हर घर में साफ पानी होता है और साफ पानी में मच्छर ये उत्पन्न होते हैं। अगर हर आदमी अपने अपने घरों की देखभाल कर ले, कूलर की देखभाल कर ले,
टंकी की देखभाल कर ले, सप्ताह में एक बार साफ कर ले, तो ये मच्छर पैदा ही नहीं होगा। लोग कहते फॉगिंग कर दीजिए, फॉगिंग से मच्छर काबू में हो जाएगा। आप खुद जानते हैं कि जो चीज़ हवा में उड़ रही है उसको मारना बहुत ही असंभव है। तो सबसे बड़ा उपाय यही है कि एक प्रोवर्ब है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम क्यों ना इस मच्छर की उत्पत्ति को ही रोक दें, ताकि इस बीमारी को फैलने के लिए समुचित माहौल ही नहीं मिलेगा। किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है? बस बहुत ही साधारण सी बात है कि सप्ताह में एक बार आपको अपने कूलर में की सफाई कर दें। अगर आप साफ नहीं कर सकते तो एक ढक्कन डीजल या पेट्रोल या केरोसिन ऑयल, जो भी आसानी से उपलब्ध हो उसमें डाल दें। जहाँ तक बची बात पानी की सप्लाई दिल्ली में कम है, तो जहाँ भी आप पानी स्टोर करते हैं, अगर आप पानी को नहीं फेंकना चाहते हैं तो उसको कम से कम सप्ताह में एक बार छान करके एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाल लें। अगर उसमें लार्वा होगा तो वो कपड़े में आ जाएगा, आपका पानी भी साफ हो जाएगा और आप आगे फर्दर उसको यूज कर सकते हैं और बहुत बड़ी बीमारी को आप बढ़ने से रोक पाते हैं। अच्छा, जिस तरीके से पानी की होदियाँ बनी हुई होती हैं, पानी के टैंक बने हुए होते हैं और कोई साधन नहीं होता कि उनको खाली किया जा सके, तो उस स्थिति में उसमें वो है कि पानी को आप सप्ताह में एक बार साफ, जानवर को भी आप पानी साफ ही पिलाएंगे तो एक बार सप्ताह में साफ कर दें, रगड़ के साफ कर दें, क्योंकि उसमें हौदियों में साइड में मच्छर के लार्वे चिपके होते हैं। आपको सप्ताह में एक बार ज़रूर साफ करना चाहिए, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वही काफ़ी है। ठीक, सबसे पहले मैडम नाम बताइए। मैं डॉक्टर ममता, जोनल एंटोमोलॉजिस्ट, सेंट्रल जोन। कितने प्रकार के जो हैं मच्छर होते हैं और किस तरीके से ये अपना काम करते हैं लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए? देखिए, बेसिकली दिल्ली में जो प्रेवलेंस है मच्छर का, तीन तरह के मच्छर यहाँ मिलते हैं, एडीज, एनोफिलीज एंड क्यूलेक्स। और जिसमें कि डिजीज़ स्प्रेड करने वाले जो मस्कीटो हैं वो एडीज और एनोफिलीज हैं। तो आपने दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया का नाम तो डेफिनेटली सुना होगा, और ये दोनों बीमारियाँ एक ही मच्छर के काटने से होती है, एडीज मॉस्किटो जिसका नाम है, और दूसरा एनोफिलीज है जो कि मलेरिया फैलाता है, और तीसरा मच्छर जो कि क्यूलेक्स जिसका नाम है, दिल्ली के अंदर अभी किसी भी तरह की कोई डिजीज़ स्प्रेड नहीं कर रहा है। तो तीनों मच्छरों से बचने के लिए, मच्छरों को पैदा ना होने दें ये ज़रूरी है, और हमें मालूम होना चाहिए कि मच्छर आखिर पैदा होते कहाँ हैं। तो डिजीज़ फैलाने वाले मॉस्किटो एडीज एंड एनोफिलीज दोनों ही साफ़ पानी में पैदा होते हैं, और साफ़ पानी वो जो कि हमारे घरों के अंदर यानी डोमेस्टिक एंड पैरी डोमेस्टिक एरिया में जो मिलता है, पौधी टंकी, कूलर, अंडरग्राउंड टैंक, ओवरहेड टैंक, बर्ड्स पॉट, फ्लावर पॉट, गमला ट्रे, और फ्रिज के नीचे जो एक ट्रे होती है उसके अंदर, कहने का मतलब कोई भी कबाड़ जिसके अंदर बारिश का साफ पानी इकट्ठा हो सकता है, या हमने अपने इस्तेमाल के लिए कोई भी पानी भरा है, एक हफ्ते तक अगर खुला रह गया तो एक हफ्ते के अंदर मच्छर उसमें से बन के बोल जाता है। सात, मतलब उसके जो लाइफ साइकिल है, एग से एडल्ट बनने का जो प्रोसेस है 7 दिन में पूरा हो जाता है, तो ये उड़ जाता है 7 दिन के अंदर एग से एडल्ट बन के। और एडल्ट मॉस्किटो अगर ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, यानी कि उसके अंदर वायरस है डिजीज़ का, वो जिस भी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा वो वायरस उसकी बॉडी में छोड़ देगा, और इस तरह से फिर डेंगू चिकनगुनिया डिजीज़ होती हैं और लोग बीमार पड़ते हैं, और कई बार ध्यान नहीं देने से, छोटी छोटी बातों का ध्यान ना रखने से डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा देखने में आती है। चलिए, ये तो मच्छरों को जो है पैदा होने से रोकने की बात हो गई, लेकिन कैसे पहचाना जा सकता है कि ये किस वायरस का मच्छर है, और उसके काटने के बाद सबसे पहले क्या सिम्टम्स होते हैं और किस तरीके से इस पर देखना चाहिए डॉक्टर को क्या? देखिए, मच्छर को पहचानना बड़ा ही आसान है। अगर हम एडीज मॉस्किटो जो कि डेंगू चिकनगुनिया फैलाता है उसकी बात करेंगे, तो काला सा छोटा सा मच्छर जिसकी बॉडी के ऊपर वाइट कलर के छोटे छोटे पैचेस होते हैं, जिसके इसलिए हम इसको टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। तो ये मच्छर बड़ी आसानी से अपने इन पैचेस, वाइट पैचेस की वजह से पहचाना जाता है। और एनाफिलीज मॉस्किटो जो है वो यूजुअली वही छोटा सा काला मच्छर है जिसकी बॉडी के ऊपर कोई पैच नहीं है। डिजीज़ की अब बात करें तो दोनों, तीनों ही बीमारियों में जो है वो फीवर आता है पहले, और फीवर अगर इस सीज़न में किसी को भी फीवर आए तो सबसे पहले तो ये है कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, अपने आप कोई दवा नहीं लेनी। फीवर आने के साथ में आप सिर्फ पैरासीटामोल ले सकते हैं, और इसके बाद में डॉक्टर की सलाह से ही आगे की दवा आपको लेनी चाहिए। वो आपके ब्लड टेस्ट करवाएंगे,
और बाकी जो सिम्टम्स होते हैं उनके आधार पर वो ट्रीटमेंट करेंगे। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बच्चों के पेरेंट्स को एक क्या मैसेज देना चाहेंगे अवेयरनेस के लिए कि किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखें, खुद भी सेफ रहें और बच्चों को भी सेफ रखने के लिए? देखिए, पेरेंट्स के लिए तो पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, सभी नागरिकों के लिए एक मेरी तरफ से संदेश यही है कि अपना घर सबसे पहले देखें। घर और घर के आसपास हफ्ते में एक बार घूम के देख लें। अगर कहीं साफ पानी में कोई रिगलिंग मूवमेंट होता दिखता है, यानी कि कोई कीड़ा जैसा दिखता है, तो इन दिनों में अब से लेकर के और अक्टूबर नवंबर तक आप ये मान के चलें कि वो साफ़ पानी में है तो डेंगी मॉस्किटो का ही लार्वा रूपा है। तो घर के सारे पानी को अच्छे से ढक के रखें और हफ्ते में एक बार चेक करते रहें। अगर ऐसा कुछ दिखाई देता है पानी के अंदर कीड़ा, तो उस पानी को खाली कर दें। साथ ही छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाली चीज़ है, बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाएं जिसमें कि शरीर पूरा ढका हुआ हो, फुल ट्राउज़र हो, फुल शर्ट हो। और अगर वो पहनाना पॉसिबल नहीं है ड्यू टू एनी रीज़न, यूनिफॉर्म की वजह से या गर्मी की वजह से, तो जितना भी एरिया खुला हुआ है उस पर कम से कम किसी भी मॉस्किटो रेपेलेंट का यूज़ करें, जिससे कि मॉस्किटो बाइट ना हो सके। और एक जो खास ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि डेंगू और चिकनगुनिया का मॉस्किटो एडीज एजिप्टाइट डे बाइटर है, और हम सभी लोग मच्छरों से बचने के उपाय ज़्यादातर रात में करते हैं। तो हमें दिन में भी मच्छरों से बचने के उपाय करने हैं, और किसी एजेंसी का इंतज़ार ना करें कि कोई बाहर से कोई गवर्नमेंट का पर्सन कोई आएगा और वो आके आपका घर और घर के आसपास सफाई करेगा या घर के पानी को साफ करेगा, बल्कि वंस अ वीक खुद अपना घर देखें और पर्सनल प्रोटेक्शन कर लें, जिससे कि बीमारियों से बचा जा सके। थैंक यू। नाम बताइए। मेरा नाम आमोद कुमार है। मैं वार्ड नंबर 57 लाजपत नगर में मलेरिया इंस्पेक्टर के कार्य। किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए मच्छरों के लिए? मच्छरों के लिए देखिए, अपने घर में, घर के आसपास जब तक ये पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिलेगा हम लोगों को, हम लोग कामयाबी नहीं पा सकते इसमें। अपने घरों के आसपास पानी ना इकट्ठा होने दें, अपने कूलर टंकी जो आपका बर्ड पॉट है जिसमें पानी डालते हैं, उनको नियमित ध्यान रखना चाहिए ताकि मच्छर ना बन पाए। और जब से मैं आया मैंने देखा यहाँ डेंगू के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, जिसके लिए हमने निश्चय किया कि हम क्यों ना स्कूल के बच्चों को इसमें अपने साथ पार्टिसिपेट करें, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारे समाज में बदलाव ला सकते हैं। और उसका नतीजा ये निकला कि ये तीसरा साल है हमारे इस वार्ड में, और हम जब पहले आए थे तो 4 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए थे, और आज के डेट में एक भी डेंगू केसेस हमारे वार्ड में नहीं। जितने भी हमारे आस पास वार्ड में, चाहे वो सरकारी स्कूल हों, प्राइवेट स्कूल हों, सबके बच्चों को इनमें इन्वॉल्व किया और समाज में अच्छा खासा बदलाव देखने को मिला। ठीक। क्या था एनोफिलिस, क्या फैलाता है? मलेरिया। ये रात को काटता बेटा ये मच्छर, ये रात को गंदे पानी पैदा होता है। कुलिक्स नाम है इसका, और इसका बैठने का पोजीशन होता है, ये मेल होता है ना? नहीं, मेल फीमेल से मतलब नहीं, दोनों होते हैं। वैसे काटते ज़्यादातर फीमेल ही काटते हैं, वो फैलाता है। अगर पहचानना है कि तीनों में से कौन सा मच्छर है, किसी मच्छर को, तो क्यूलेक्स की पहचान है कि ये बैठेगा 45 डिग्री के एंगल पे, जबकि वो अपना ये पोजीशन को नीचे करते हैं। इसको हम एडिस है, डेंगू फैलाते हैं, डेंगू से फैलते हैं। और इसको दूसरा नाम टाइगर मॉस्किटो है। हमारा जो बुखार आती है, जो बीमारी है, ये वायरल बीमारी है डेंगू चिकनगुनिया। लेकिन ये कौन सी बीमारी है? एनोफिल। कौन सी बीमारी है? डेंगू। मलेरिया। तो जो सर्दी वाला, सर्दी चढ़ के बुखार आता है, वो तो मच्छर है। हम पूछ रहे हैं कि किस तरह का डिजीज है। ये तो वायरल डिजीज है, डेंगू चिकनगुनिया वायरल डिजीज है, जो कि एडिस फैलाता है। मलेरिया जो है एनोफिल मच्छर फैलाता है। लेकिन मलेरिया किस तरह का डिजीज है आप मुझे बताओ, मलेरिया डिजीज किस तरह का है?
पैरासाइटिक डिजीज है, पैरासाइट, ये वायरल नहीं है। फिश खाती है? फिशेस? अच्छा, फिशेस खाते हैं। मच्छर के अंडे लार्वा खाती है या और कुछ भी खाती है? मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि पता है और ये कौन सा बीमारी है मलेरिया? हाँ बीमारी है। और कौन सी बीमारी होती है? और डेंगू, मलेरिया और कैसे होती है बीमारी? मच्छरों के काटने से, डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया। हाँ तो आप लोगों को इतना मालूम है तो ये भी मालूम होगा कि डेंगू कौन से मच्छर के काटने से होता है। मैं बताती हूँ, डेंगू और चिकनगुनिया दोनों डिजीज होती है एडीज मॉस्किटो बाइट से। किसे? सब बच्चे बोलेंगे किसे? एडीज मॉस्किटो बाइट जब करता है तो डेंगू और चिकनगुनिया दोनों डिजीज होती है। और मलेरिया किसके काटने से होता है? हाँ नहीं सुनाई जरा, एनोफ्लीज के काटने से मलेरिया होता है। ठीक है, तो कैसे बच सकते हैं हम इन बीमारियों से? अच्छा चलिए, अब ये मैं बताती हूँ कैसे बच सकते हैं। आप सब लोगों को पता है कि डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया ये तीनों बीमारियां मच्छर के काटने से होती हैं। ठीक है, और ये मच्छर और साफ पानी कहाँ होता है? घर में? किसमें? अच्छा, अब घर में साफ पानी होता है किन किन चीजों में होता है? बहुत बढ़िया, अब मैं बताती हूँ, सुनिए। साफ पानी घर में मिलता है अगर हमने घर में कोई हौदी बना रखी है जिसमें हम पानी कलेक्ट करते हैं। सिंटेक्स रखते हैं घर में? ओवरहेड टैंक होता है? कूलर होते हैं? चिड़िया को पानी पिलाने के लिए बर्ड स्पॉट रखते हैं? मनी प्लांट पानी के अंदर रखते हैं? और इसके अलावा घर के अंदर कोई पानी भरा ड्रम या हम लोग गमले भी रखते हैं ना, तो पॉट्स रखते हैं गमले, और उसके अंदर हम पानी डालते हैं, उसके नीचे एक प्लेट लगी रहती है जिसमें वो पानी इकट्ठा होता रहता है। होता है ऐसा? और इसके अलावा कोई भी ऐसा बर्तन हमारे जो घर के अंदर रखा हुआ है या घर की छत पे रखा हुआ है या ओपन में पड़ा हुआ है, वो क्या चीजें होती है? देखिए, कोई भी कबाड़, हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, पानी पीते हैं, वो जो कप होते हैं डिस्पोजेबल, वो ऐसे ही फेंक देते हैं, कहीं भी फेंकते हैं ना, कभी कभी तो फेंकते हैं। और वैसे कहाँ डालना चाहिए हमें? डस्टबिन में। लेकिन हम लोग कभी कभी ओपन में भी फेंक देते हैं, फेंकते हैं ना। टायर होते हैं ना, ओपन में पड़े रहते हैं, छत पे पड़ा रहता है या बाहर कहीं लॉन में पड़ा हुआ है। इसके अलावा और कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा बर्तन जो कि हमारे इस्तेमाल में नहीं है और हमने इसको इधर उधर कहीं भी ओपन में छोड़ दिया है, बारिश का साफ पानी इकट्ठा होता है उसमें और उसके अंदर डेंगू का मच्छर अपने एग नहीं करता है, ब्रीड करता है उसके अंदर। ठीक है, तो साफ पानी जो कि किसी भी कंटेनर के अंदर भरा हुआ है उसके अंदर डेंगू चिकनगुनिया का मच्छर एडीज अंडे देता है। और इसके साथ ही एक मिनट, हेलो एक मिनट, इसके अलावा
मलेरिया की हम लोग बात कर रहे हैं, वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मलेरिया का मच्छर कहाँ पैदा होता है? हाँ जोर से बोलो, कहाँ? मलेरिया का मच्छर गंदे पानी में पैदा नहीं होता है, ठीक है? मलेरिया का मच्छर भी साफ पानी में ही पैदा होता है। और जब हम डेंगू के मच्छर को कंट्रोल करने के लिए हम जो भी काम करते हैं घर में और घर के आसपास, मलेरिया का मस्कीटो भी उसी से कंट्रोल हो जाता है। यानी डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया तीनों का मच्छर सिर्फ और सिर्फ साफ पानी में। अब गंदे पानी में मच्छर होता है? हाँ, गंदे पानी में मच्छर होता है कि नहीं भाई? गंदे पानी में भी मच्छर होता है, लेकिन वो दिल्ली के अंदर कोई भी बीमारी, दिल्ली के अंदर कोई भी बीमारी गंदे पानी में पैदा होने वाले मच्छर का क्या नाम है? क्यूलेक्स। क्या नाम है? गंदे पानी में पैदा होने वाले मच्छर का नाम क्यूलेक्स है, जो कि दिल्ली के अंदर किसी भी तरह की कोई भी डिजीज स्प्रेड नहीं करता। तो हमें किससे बचना है? एडीज और एनोफिलीज से, जो कि साफ पानी में पैदा होते हैं। और हमें अपने घर में हफ्ते में एक बार अपना घर घूम के देखना है, जहाँ जहाँ साफ पानी भरा हुआ है, कि पानी के अंदर कोई मूवमेंट तो नहीं है, कोई कीड़ा तो नहीं चल रहा। अभी आप लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे तो वहाँ एक एग्जीबिशन लगी है, वहाँ देख के जाना आप सब लोग। वहाँ पे मच्छरों के लार्वा और प्यूपा रखे हुए हैं, जो कि पानी के अंदर होते हैं। आपको आपके घर के कूलर, हौली, चक्की किसी में भी दिखाई दे सकते हैं। अगर ये आपको दिखाई दे पानी के अंदर, तो क्या करना है? उस पानी को फैला लेना है, उस पानी को फैला के साफ पानी बनना है। और जिस कूलर के अंदर, जिस बर्तन के अंदर पानी भरा है, उसको कपड़े से घिस के एक बार साफ कर देना है। क्या आप लोग ऐसा करेंगे? जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप लोग हफ्ते में एक बार ये काम अपने घर में करते हैं, अपने घर में पानी भरी हुई जगहों की चेकिंग करते हैं, तो अपने आप को, अपने भाई बहन को और पेरेंट्स को, इवन नेबर्स को भी इन डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बचा सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा जब कुछ दिन बाद आपको पता चलेगा कि कुछ केसेस डेंगू के, मलेरिया के, चिकनगुनिया के आ रहे हैं, आप सब लोग टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो जब केसेस आते हैं तो उसमें ये न्यूज आने लगती है, ठीक है? टीवी में भी आती है, न्यूज़पेपर में भी आती है। तो हमको कुछ पर्सनल प्रोटेक्शन लेने चाहिए, ऐसे कपड़े पहने जिसमें कि पूरा बॉडी ढकी हुई हो, फुल ट्राउजर एंड फुल शर्ट, ताकि मॉस्किटो बाइट की जगह ना बचे। और जो जगह खुली हुई है उसमें हमको क्या यूज करना चाहिए? मॉस्किटो रेपेलेंट। कोई भी मॉस्किटो रेपेलेंट, अभी जैसे बच्चे ने नाम लिया ओडोमॉस, या कोई भी जो आपको अच्छी लगती हो, वो आप मॉस्किटो रेपेलेंट यूज करेंगे तो मॉस्किटो बाइट से अपने आप को बचा सकेंगे। एक खास बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये कि डेंगू चिकनगुनिया का मच्छर एडीज डे बाइटर है। कब काटता है? दिन में काटता है। और दिन में कहाँ होते हैं आप? कहाँ होते हैं? स्कूल में होते हैं। तो अपने स्कूल का भी ध्यान रखना आप लोगों का काम है। अगर कभी घूमते हुए रिसेस में या प्लेग्राउंड में कहीं पे कोई ऐसी जगह पे पानी भरा हुआ है, तो आपको आके अपनी टीचर को इन्फॉर्म करना चाहिए कि इस पानी को यहाँ से हटा दिया जाए, जिससे कि मॉस्किटो ब्रीड ना कर सके, ठीक है? तो आप लोगों के लिए इतनी सारी बातें जो भी बताई, इसमें से ध्यान रखने वाली बात कौन सी है? टेक होम मैसेज क्या है? क्या बताएंगे घर में जाके कि आज क्या बताया गया आपको? हाँ, आप घर में जाके ये बता सकते हैं कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया तीनों डिजीज मॉस्किटो बाइट से होती है। और ये तीनों डिजीज के जो मॉस्किटो है वो कहाँ होते हैं? साफ पानी में। और इन मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए, डिजीज से बचने के लिए, हमको अपने घर में जिन जिन जगहों पे हमने साफ पानी भरा है या बारिश का साफ पानी भर सकता है, उसको हफ्ते में एक बार
चेक करना है, बेकार का सामान घर से निकाल के बाहर कर देना है, कबाड़ अगर कोई छत पे पड़ा है या ऊपर में पड़ा है टायर वायर सब हटा देने हैं, ठीक है, जिससे कि मॉस्किटो की ब्रीडिंग आपके घर में ना हो। एडल्ट काम है, एडल्ट काम, एडल्ट मॉस्किटो वगैरह चला मैं कैसा होता है। ये एडिस मॉस्किटो ये देखो बड़े बच्चे टाइगर मॉस्किटो आइया ना सर इसीलिए टाइगर कह रहे। ये देखो एडिस और ये एनोफिल में फैलाता है, ठीक है आगे बढ़ते ये मलेरिया ब्रीडिंग है, ये एडिस का है और ये गंदा पानी है जो गंदे पानी इसे कहते हैं गम्बूज गम्बूज की चाहिए नहीं बड़ी रहती है from Vector-Borne Awareness Program from Deep Samaj Modern School, Nehru Nagar. We made a team and every Friday we used to go in each and every corner of the school and we used to check whether there is any stagnant water or garbage or any sort of undesirable things. Then we used to tell this about to our concerned authorities and then they used to take the step against it. And also we used to go in each and every class and we used to inform the children about these vector-borne diseases and how we can prevent it. As we know, mosquitoes are of three types, Aedes, Anopheles and Culex. ये पहला फीमेल एनोफिलिस और इससे जो डिज़ीज़ होती है वो होती है मलेरिया, दूसरी एडीज और इससे जो डिज़ीज़ होती है वो है डेंगू एंड चिकनगुनिया, थर्ड वन इज़ क्यूलेक्स एंड इससे डिजीज़ होती है वो होती है ब्रेन फीवर। जो एनोफिलिस मस्कीटो होता है और जो एडीज़ मस्कीटो होता है वो क्लीन और स्टैग्नेंट वाटर में पाया जाता है, लेकिन जो क्यूलेक्स मस्कीटो होता है वो गंदे पानी में मिलता है। कैसे आप बचाओगे, क्या घर पर जाकर के ध्यान रखोगे, किस तरीके से? पौधों में जो पानी यूज़ करा जाता है वो हम देखेंगे कि वो स्टोर तो नहीं हो रहा, और जो टैंक्स है वाटर टैंक्स उनको प्रॉपर क्लीन करा जाए और उनका जो ओपनर है वो क्लोज हो। जिसमें पानी होता है हम उसे भी रेगुलर इंटरवल्स पे साफ़ करेंगे तो मस्कीटोज उनमें ब्रीड नहीं करेंगे। और जो अनयूज चीज़ें होती हैं जैसे टायर्स और रबर ट्यूब्स होती हैं उन्हें ऐसे ओपन में ना रखें, क्योंकि अगर उसमें वाटर कलेक्ट हो गया तो उसमें मस्कीटो ब्रीड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और जो अगर कूलर्स हम साफ़ नहीं कर पा रहे, हम उसको पानी नहीं निकाल पा रहे, तो हम उनमें टेम्फोस मेडिसिन के एक स्पून डाल सकते हैं या हम केरोसिन ऑयल भी डाल सकते हैं। चिल्ड्रन दे कैन ऑल्सो टेक अप मेनी इनिशिएटिव्स, मे बी स्मॉल बट impactful as well. So what we can do on our level, we can wear full sleeves, use mosquito repellents and aware many people about the problem as well. And for our school has also taken many initiatives. It has provided all outs and
Fumigation was also done in each and every class. And MCD is also very concerned about the topic. It yearly conducts many seminars in our school. And my friend will tell you more facts about prevention.